नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आम का सीजन आ गया है, कच्ची अंबे भी मिलने लगी हैं, जिसको कैरी भी बोलते हैं। तो क्यों ना हम उसका अचार बनाएं। अचार जो कि 2-3 साल तक, मेरे हाथ का बना हुआ अचार 2-3 साल तक आराम से चल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 3-4 साल पहले अचार बनाया था, जो कि अब तक भी हमारे बच्चे शौक से खाते हैं। बिल्कुल ना तो उसमें ज़्यादा तेल है, ना ज़्यादा मसाले हैं, पर ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल। आप मेरी टेक्निक से अब अचार बना के देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए हमें इन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, मैंने नमक लिया है। नमक ये करीब 600 ग्राम्स, क्योंकि मैंने 5 किलो आम की कैरी ली हैं और उनको काट कर उसमें से गुठली निकाल के करीब करीब 4 किलो के करीब वो बच गई होंगी। तो उसमें ये 600 ग्राम नमक लिया है, ये 200 ग्राम सौंफ लिया है, ये कलौंजी है, ये 50 ग्राम कलौंजी है, ये हल्दी है, ये 3-4 बड़े चम्मच हल्दी के लिए है मैंने, ये 200 ग्राम मेथी दाना लिया है मैंने, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च है, ये उसमें डालने के लिए ऑयल है, सरसों का तेल है, और ये मैंने खड़ा धनिया लिया है। अब हम इन मसालों को थोड़ा रोस्ट करके और इनको हम हल्का दरदरा पीसेंगे। हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, बस इसको थोड़ा सा क्रश करना है। आप पल्स मोड पे चला के मिक्सी को, और मैं आपको रोस्ट करके दिखाती हूँ। हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हमें पीसने में भी आसानी हो और अचार ख़राब भी ना हो। ये देखें, मैंने गैस पे पैन रख दिया है, उसमें मैं ये अपना धनिया, बस हमने इसको 2-4 मिनट तक धीमी आंच पे रोस्ट करना है। हमने इसको पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, बस इसको रोस्ट करना है ताकि इसकी थोड़ी सी नमी हमें ख़त्म करनी है बस। ये देखिए, सभी मसाले रोस्ट करने हैं। हमने कलौंजी को रोस्ट नहीं करना, कलौंजी हम ऐसे ही डालेंगे, उसको नहीं पीसेंगे। ये है धनिया, सौंफ और मेथी दाना को हम रोस्ट करके, फिर मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। फिर देखिए, मैंने इनको हल्का सा रोस्ट करके, हल्का सा मतलब दरदरा किया है इनको, इनको पीसा नहीं है, बस 1 सेकंड के लिए मिक्सी चला के। ये देखिए, ऐसे ये सौंफ और ऐसे ये मेथी दाना, क्योंकि यदि हम इनको मेथी दाने को बारीक कर देंगे तो कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा, तो हमने बारीक नहीं किया है, बस हल्का सा। ये जैसे धनिया के लगा लीजिए, 2 फाड़ हो गए, और ये सौंफ है, हल्का सा हो गया दरदरा, तो ये ऐसे किए हैं। ये देखिए, आप मसालों को रोस्ट करके इस तरह से, क्योंकि मेन हमें उनकी मॉइस्चर ख़त्म करना है। और ये मैंने, ये देखिए, ये अम्बी को, जिसको कच्ची कैरी भी बोलते हैं, ये देखिए धो के सुखा दिया है। सुखाकर इसके बीच में जो गुठलियाँ होती हैं वो निकाल दी हैं, साफ करके अच्छी तरह। और ये देखिए, हमारे घर में ये देसी अम्बी का अचार शौक से खाते हैं। ये देखिए, ये देसी वाली अम्बी हैं, जो कि स्पेशली रामकेला अम्बी भी आती है अचार के लिए, पर हमारे घर में ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए इसका अचार बनाया है। ये देखिए, करीब करीब 4 किलो के करीब ये सामान है। ये देखिए, तो अब मैं इसमें ये सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और अचार बनता ही मसालों के सिर पे है। ये देखिए, खाली ऊपर तक तेल डालने से कुछ नहीं होता, जब तक उसमें पूरे मसाले नहीं होंगे अचार अच्छा नहीं बनेगा, उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं आएगी और अचार जल्दी खराब हो जाएगा। ये देखिए, इस टाइम पे हम इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा नमक बचा लेते हैं, अगर हमें कम लगेगा इसमें तो हम और डाल देंगे, नहीं तो तेज नमक अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, और मैं इसमें ये 4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है। ये देखिए, ये 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये 2 चम्मच के करीब तीखी वाली लाल मिर्च है, और ये कलौंजी है।
और इस टाइम पे हम इसमें ये हाफ तेल भी डाल देंगे, ये देखिए, और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। वैसे तो इसको हाथ से ही मिलाने में अच्छी तरह मिलेगा, ये देखिए। हमारी दादी नानी तो नीचे बैठकर चटाई बिछाकर उस पर खूब अचार को ऐसे मसल मसल के खूब मिलाते थे, ऐसे मसाले डाल के ना, कम से कम ऐसे लगा लीजिए आधा पौना घंटा तो उसको वो अचार को मिलाते थे मसाले, ताकि उसमें अच्छी तरह मसाले मिल जाएं। ये देखिए, हमने भी अपनी बड़े बुजुर्गों से, दादी नानी से ही सीखा हुआ है सब कुछ, तो आज हमारे ये काम आ रहा है। ये देखिए, इसको खूब अच्छी तरह मिलाइए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको खूब मिलाइए। और अगर आपको मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप बचा हुआ तेल इसमें डाल दीजिए, ये देखिए। और जो हमारा मसाला है, जो ये जैसे इसमें भर जाता है ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए इसमें भर जाता है ना जब मसाला, तो इसलिए इसको खूब मसलते हैं अचार। ये देखिए, मैंने तो ऑयल डाल दिया है, तो अब देखिए खूब चिकना हो गया है, ये देखिए। और जैसे ही हमारा नमक भी पानी छोड़ेगा, दिन पूरा ऐसे ही इसको ढक के रख दें और इसको पड़ा रहने दें, फिर आप बर्नी में डालें, 2 दिन धूप लगवाएं और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, ज़्यादा ऑयल भरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मसाला भर गया ना इसमें ऐसे, ये देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब ये मसाला हमारा थोड़ा सा गल जाएगा ऑयल में ही, तो नमक छोड़ पानी छोड़ेगा नमक में, थोड़ा सा ये टेस्टी बन जाता है बहुत। ये देखिए क्या मस्त बना है, ये देखिए, एक एक अम्बी कोट हो गई है अच्छी तरह मसाले से। ये देखिए, इसको आप मिलाएं बहुत अच्छी तरह से, अचार का यही है, मिलाना बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। देखिए, मेहनत तो हर काम में होती है, मार्केट का भी मिलता है अचार तो, पर वो टेस्ट नहीं आता, उसमें सिरका वगैरह और ऑयल इतना अच्छा नहीं डलता। जब हम घर का बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए। ये देखिए,